हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं NH-709A। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि NH-709A पर कार्य बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है। आपको भूनी चौराहे का भी हमने दिखाया था, उस पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। लेकिन हम आपको आज भूनी चौराहे से पहले की वीडियो दिखाने वाले हैं, जो कि NH-709A की है, जिस पर रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और रोड को ओवरब्रिज भी बनाए जा रहे हैं। यह मेरठ से शुरू होता है और शामली, करनाल वगैरह से जुड़ता है। यह इस रोड पर शामली तक काम किया जा रहा है। इस पर जगह जगह फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करें। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आज हम NH-709A पर हैं। हम आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, यदि आपके यहाँ से गुजर के जा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हम आगे भी इसकी पूरी वीडियो बनाने वाले हैं, लेके भूनी चौराहे से शामली तक पूरा कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस पर रोड चौड़ीकरण का काम तेज़ी से किया जा रहा है। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम आपको दिखाएंगे पूरी इसकी प्रक्रिया, पूरी होने के पश्चात हम एक एक वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपसे बस एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, और हमारे से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। हम और आपको बताते हैं आने वाले टाइम पर, जैसा कि हमने आपको इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि फ्रंट कॉरिडोर पर कार्य तेज़ी से चल रहा है, लेकिन हम फ्रंट कॉरिडोर को लाइव दिखाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर नेट की प्रॉब्लम के कारण हम वहाँ से लाइव नहीं आ सके। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो हमने आपको दिखा दी थी फ्रंट कॉरिडोर के। आने वाले टाइम पर हम आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। मेरठ पानीपत रेलवे लाइन पर भी आने वाले टाइम में जानकारी देंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है उसकी। लेकिन कुछ दिनों में हम एक RTI दाखिल करेंगे ताकि हमें कोई जवाब मिल सके। और मेरठ टू शामली रोड का भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और शामली रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन तो कार्य चल रहा है, लेकिन CRS भी दिसंबर में होने वाला है और उससे एक या डेढ़ महीने बाद इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। दोस्तों, आने वाले टाइम पर हम आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है अपने वहाँ की, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो में अच्छी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, और हमारे से जुड़ने के लिए व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो के साथ इंजॉय करें और वीडियो को पूरा देखें।